क्या कह रहा है? अच्छा मैं यहाँ पर ये वीडियो बन रही है, ये वीडियो ही बन रही है, आप टेंशन नहीं ले। यार मसला ये है, यहाँ पे लोग बहुत नाराज हैं क्योंकि लोगों को खाने को नहीं मिला है। यार लोग तलब है, नाराज है लोग, हम भी गुस्से क्यों निकाल रहे हैं? हम लोग मुझे हमें समझ के मुझ पे आके चिल्ला रहे, एक बंदा वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम, तलहा सफान ब्लॉग्स में आज हम लोग गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर हम कवर करने आए हैं अफ्तारी। देखना चाहते हैं, वैसे ब्लॉगिंग के अंदर तो बहुत सारी देखी है लेकिन आज खुद अपनी आंखों से देखकर और रिकॉर्ड करेंगे कि यहाँ पर अफ्तारी किस तरह होती। तो यहाँ पर खवातीन है और इस जगह पर जेंट्स है, तो सेपरेट किया हुआ है खवातीन का और आदमियों का, बिल्कुल अलग अलग सेपरेशन, और इस चीज का बड़ा खास ख्याल किया गया है। तो अभी मैं बोलूंगा सफान भी, अगर आप वहाँ पे थोड़ा एक ओवर लुक दें साथ साथ, तो काफी सारे लोग, बड़े बुजुर्ग बच्चे, हर किस्म की फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है। और दिखा दो यहाँ पे किस तरह भगदड़ मची हुई है काम की, और बिरयानी सर्व की जा रही है अभी, तो मुझे बिरयानी की खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है। और साथ साथ यहाँ पर हमारे अलावा भी काफी व्लॉगर्स आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं दिखाऊंगा और अफ्तारी में यहाँ पर क्या तमाम किया जाता है, क्या क्या चीजें सर्व की गई है, वो खाना पीना मैं आपको जरूर कवर करके दिखाऊंगा। और बाकी लोग यहाँ पर काफी कोऑपरेटिव है, इंतजामिया बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। बाकी मैं सफान भाई से बोलूंगा कि सफान भाई आप थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएं। अच्छा भाई, तला भाई आपने बता तो दिया क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी शॉर्ट है। यार मैं तो सजेस्ट करूंगा तला भाई नीचे चल के अफ्तारी करें, नीचे चल के देखते हैं क्या इंतजाम है यहाँ पर, तो आइए नीचे चल के देखते हैं। अच्छा नीचे स्टार्टिंग में जो है वो लेडीज का है और आगे वाली साइड पे जेंट्स बैठे हैं, ऐसा ही है। अच्छा माशाल्लाह से टेबल्स वगैरह सारी चीजें लगी हुई है, नीचे बैठने का भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे लोग तो कुर्सी और टेबल पे नहीं बैठ सकते, तो इंतजाम अच्छे हैं। मैं तो तला भाई बोलूंगा कि आप भी बंद करें कैमरा, अफ्तारी करते उसके बाद वीडियो बनाते हैं। यार खजूर है, अच्छा खजूर है, एक और दे दिएगा। भाई खजूर तो पकड़ा है, जाहिर सी बात है हम लोग भाई अफ्तारी की नियत से, जाहिर सी बात है रिटेल लॉन्ग मैंने कसम तो बनेगा मतलब वाले के लोगों को वाले इसको को। भाई फाइनली रोजा खुल गया क्योंकि गैमा गैमी है हर तरफ, देखें अभी भी वो बांट रहे हैं वहां पे अफ्तारी ना, तो गैमा गैमी तो अभी भी लगी हुई है। और लोग जरूरत से ज्यादा आ गए कि मैनेज नहीं हो पा रहा है, सही है ऐसा ही है, जिसको आगे नहीं रखा हुआ था ना उसका वीडियो बनाओ, ऐसा ही बनाओ, नहीं हमें हम तरीके से बनाने दो बनाओ। क्या कह रहा है? हम कह रहे हैं जिसके आगे नहीं रखा हुआ उसकी बनाओ। भाई बोले भाई आए थे, भाई आए हैं थोड़ी यहाँ पर, देखे जाहिर सी बात है मिस मैनेजमेंट भी हम बोल सकते हैं, मिस मैनेजमेंट किस इन द सेंस ये कि भाई लोग ज्यादा हैं उस हिसाब से चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज ड्रॉबैक है थोड़ा सा हमें देखने को मिला है मिस मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे समझ रहे हैं कि हम एज अ गवर्नर के मीडिया सेल से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उनको बता दें क्योंकि लोग हमारे पास आके बोल रहे हैं हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, अफ्तारी का टाइम भी शॉर्ट होता है उसी टाइम में सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लोग भी उसी एंड टाइम पर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से मिस मैनेजमेंट थोड़ी सी हमें देखने को मिली है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अफ्तारी का नहीं मिली, लेकिन ये जिनको मिली है बहुत सारे लोगों को मिली है, बहुत रेयर हो गए जो जिनको अफ्तारी नहीं मिली है, वो बैठे हुए बेचारे लेकिन उनको नहीं मिली, लेकिन अभी भी अफ्तारी वहाँ से आ रही है तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। लोग लड़ रहे हैं और थोड़े से लोगों को भी मुजाहरा करना चाहिए, बैठना चाहिए, और क्योंकि जाहिर सी बात है जो मिस मैनेजमेंट होती है वो इसी वजह से हो जाती है क्यों लोग इनके साथ कॉपरेट नहीं दिखा रहे होते ना, तो लोगों को भी चाहिए थोड़ा कॉपरेट दिखाए और बैठे, चीज़ें मैनेज इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। तो तला भाई क्या ख्याल है फिर अभी क्या करना है, हमने तो खाए नहीं। अच्छा मैं यहाँ पर ये वीडियो बन रही है, ये वीडियो ही बन रही है, आप टेंशन नहीं ले, हम भी कोई गवर्नर हाउस की मीडिया सेल नहीं है भाई, हम भी ब्लॉगर ही हैं। आपके जो उन लोगों को लाखों रुपए मिलते हैं ना वो हमें भाई, हम ब्लॉगर हैं, हम इनके एम्प्लॉई तो नहीं है,
मैंने भी खजूर पकड़ा क्योंकि साफ सीधी बात है, नियत तो नहीं है। क्या तस्वीर आते हैं बताए? हमें एम्प्लॉय समझ रहे हैं भाई, हम एम्प्लॉय थोड़ी है, हम व्लॉगर है भाई। और खाने को बाकी भी नहीं है? खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना शॉर्ट हो गया आई थिंक, तो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है। हाँ क्योंकि वो टेसोरी साहब भी नहीं है ना, जिसकी वजह से थोड़ा हो रहा है मिसमैनेजमेंट। आप यहाँ से चले जाओ, डोंट कोशिश करो कि कुछ खाओ, आज साफ नहीं। हाँ रोजा खुल जाए लोगों का असली। हाँ वो पकौड़े जो है ना, चार हिस्से करो। नहीं रोजा तो खोल लिया आप लोगों ने, तो मसला नहीं है, रोजा तो खुल लिया है। नहीं रोजा तो खोल लिया, रोजा खोल लिया। लोग यहाँ पे लूट रहे हैं, लूट के खाने छीन के खाना पड़ रहा है यार। थोड़े सी पेशेंस होने चाहिए यार किसी के अंदर ना, तो सबको बराबरी से सारी चीजें मिल सकती है। वहाँ भी वही छीना चपटी चल रही है, हम वही जा रहे हैं तो वहाँ चल के दिखाते हैं यार। एक जो चीज मैं बोलूंगा ना, कामरान टसूरी साहब बहुत अच्छे आदमी है। हाँ। जो बात है बिल्कुल, आज वो थे नहीं तो ये हम बोल सकते हैं कि उनकी ना होने की वजह से मिसमैनेजमेंट हमें देखने लोगों को शिकायत यही है कि अगर वो होते तो ऐसा नहीं। अगर लोगों ने हमसे आगे वाली बात बोली भी है कि अगर टसूरी साहब होते तो ये मिसमैनेजमेंट हमें देखने को नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। जो बात है भाई, वो आवामी गवर्नर है, इस बात को हम बोलेंगे क्योंकि आवाम के लिए उसने खोले हैं दरवाजे खुले में। हम कभी सोच नहीं सकते कि हम यहाँ पर आके वीडियो बनाएंगे और हम बना रहे हैं, तो इस चीज़ को पर अप्रिशिएट तलबा ही करना चाहिए। नहीं नेगेटिविटी लोगों के साथ जो हुई है, देखिए हम रियलिटी दिखा रहे हैं कि आज वो मौजूद नहीं थे तो क्या क्या होगी। हाँ वरना ऐसा कुछ नहीं है, वो अगर होते तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैनेजमेंट अच्छी होती है। जिस तरह के AI का कोर्स, वो मुझे इंतज़ाम नज़र आता है, वो है एक इंतज़ाम। तो इसी तरह अगर वो आज, उन लोगों का भी कहना है और दूसरे ब्लॉगर्स जो आए हुए थे उनका भी यही कहना है कि वो मौजूद नहीं है यहाँ पर, इसी वजह से ये हरकतें हुई हैं आज। वल्ला आलम, खैर बहरहाल हमने अफ्तारी कर ली है, अब हम जाते हैं अपने आगे की तरफ। हाँ जी, फिर क्या था आपसे रात में, आपने क्या सोचा है फिर अफ्तारी? यार मसला ये है, यहाँ पे लोग बहुत नाराज हैं क्योंकि लोगों को खाने को नहीं मिला है यार। लोग तलब है, नाराज है लोग, हम भी गुस्से क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? मुझे, हमें समझ के मुझ पे आके चिल्ला रहे एक बंदा, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका कि यहाँ पर आके बताओ दिखाओगे दस्तरखान खाली है भाई। लोग बहुत जल्दी उठ गए क्योंकि लोगों को नहीं मिला, लोग लड़ रहे थे आपस में। अगर एक थाल आती है तो उसमें झपट्टा मारे, जो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी गवर्नर हाउस के अंदर ऐसा होगा यार। एक तो मिसमैनेजमेंट और लोगों का ये भी है कि यार नहीं मिला खाने को, यार लड़ना बहुत एक जाहिलाना हरकत है यार। बंदा पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन उसका इखलाकन ये चीज बताता है कि वो कौन से खानदान से ताल्लुक रखता है। खाना भले ना मिले, मैं एक बात वो कह रहा हूँ ना मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला, देखा जाए नहीं मिला। हमने तो खजूर खाई और बाकी बाहर जाके देखेंगे कि क्या अच्छा मिलता है क्या बुरा मिल रहा है। लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि गवर्नर हाउस आके कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे अब बहुत जल्द हम JTC का भी कवर करेंगे इसी तरह, और दिखाएंगे आपको क्या गवर्नर हाउस में ज्यादा अच्छी अफतारी या सहरी कराई जा रही है। यहाँ पे सहरी तो नहीं कराई जाती वैसे, सहरी पता नहीं, सहरी का है, सहरी का पता नहीं, गवर्नर हाउस में ज्यादा अच्छी कराई जा रही है या JDC करा रहा है। तो ये कंपटीशन हो गया, तो हम चलकर आपको दिखाएंगे। हमारे अलावा भी बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हैं और कॉन्टेंट क्रिएटर यहाँ पर मौजूद है, और सबका कोई ना कोई अपनी एक मंतक है, अपने एक सवालात हैं। तो लेकिन हमारी शुरू से ये अप्रोच होती है जो रियल हमारा है, वो हमारी अप्रोच यही थी। सफान से भी मैं पहले बोल रहा था कि ऑन कैमरा सफान रिकॉर्डिंग कर रहा है, कभी मैं इस तरफ आया हूँ, कभी वो सफान उस तरफ चले जाते, कभी सफान इस तरफ तो मैं उस तरफ, तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं जो ऑनेस्टली है, ये हम, मैं सफान से घर से बोल के निकला था कि यार खाने का, हम खाने के लिए जा ही नहीं रहे, हम जा रहे हैं चीजों को कवर करने के लिए। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो ना बुरी बात नहीं है, मतलब घर आके खा लेंगे कोई मसला नहीं है। तो वही हुआ कि हमें यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिली, खजूर मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, खजूर से हमने अफ्तारी कर ली है। अब इंशाल्लाह ताला यहाँ पर नमाज का एहतमाम हुआ हुआ है, मस्जिद मौजूद है, यहाँ पर हम नमाज पढ़ेंगे और फिर हम यहाँ से रवानगी करेंगे। डेट से यही था आज का व्लॉग हमारा, कि हम दिखाने जा रहे थे कि अफ्तारी होती कैसे। तो अफ्तारी तो बस एक नॉर्मल थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो मुझे और सफान को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।